यूपी के जौनपुर जिले के लाइन बाजार पुलिस व स्वाट विभाग की टीम ने वीडियो की परीक्षा में नकल कराने की तैयारी कर रहे 13 लोगों को पुलिस कर उनके मंसूबों में कामयाब होने से पहले ही पानी फेर दिया। ये कार्रवाई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जज कॉलोनी से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 27 मोबाइल, 8 ब्लूटूथ डिवाइस, 15 माइक्रो एयरबड, 14 सिम कार्ड, 114 बैंक चेक, मूल अंक पत्र, 2 लैपटॉप व नकद व एक वाहन को बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्त आजमगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर के बताए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी आशीष पटेल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है, जबकि एक लेखपाल कमलेश यादव जो जौनपुर में कार्यरत है, इन सभी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है। इनका क्या क्या आपराधिक इतिहास है, ये किस किस परीक्षाओं में संलिप्त रहे हैं, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। अपराधियों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई के दौरान ही सर्विलांस टीम तथा थाना लाइन बाजार की फोर्स को मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि जनपद जौनपुर में शहर में कुछ साल्वर गैंग लोग हैं जो वर्तमान में चली वीडियो परीक्षा में सर्विलांस के द्वारा ब्लूटूथ और इन डिवाइसों के द्वारा पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तत्काल सर्विलांस की टीम तथा थाना पुलिस की टीम द्वारा उन लोगों को चेक किया गया, पूछताछ की गई तो 13 लोग हिरासत में आए, जिनके पास से कई मोबाइल फ़ोन, कई सिम कार्ड, कई मार्कशीट्स और लैपटॉप मिला है तथा कुछ माइक्रो डिवाइसेस भी मिली हैं। और उन सब में उनका जो मेन व्यक्ति था उसमें एक व्यक्ति आशीष पटेल अभी वांछित है तथा एक कमलेश यादव लेखपाल है, जो यहाँ लेखपाल है। इन सभी के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया गया थाना लाइन बाजार में तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और ये कितनी परीक्षाओं में क्या क्या अभी तक कितनी परीक्षाओं पेपर आउट कराए गए हैं या इनका क्या क्या आपराधिक रिकॉर्ड है उसके संबंध में साक्ष्य